अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनफोर्डू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एक ज़बरदस्त स्क्रीन कार्डर जिसकी मदद से आप लोग अपने कंप्यूटर की स्क्रीन कार्ड कर सकते हैं। इसका नाम है एसथिंकर स्क्रीन ग्रैबर प्रीमियम। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये एक पावरफुल स्क्रीन कार्डिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर की स्क्रीन कार्ड कर सकता है, वो भी हाई क्वालिटी वीडियोज़ में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तीन सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको आप लोग फॉलो करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप लोग प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लोग गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेसबुक की वीडियो की या फिर स्काइप कॉल्स वगैरह को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डर का, ऑडियो रिकॉर्डर, गेम रिकॉर्डर, वेबकैम, स्नैपशॉट, फ़ोन और मोर ऑप्शन मौजूद हैं। वीडियो रिकॉर्डर की मदद से आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर की मदद से आप लोग अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, गेम रिकॉर्डर की मदद से आप लोग गेम्स प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी वीडियो में आपका वेबकैम भी शो हो, आप फेस कैम वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो स्नैपशॉट की मदद से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फ़ोन रिकॉर्डर की मदद से आप लोग अपने फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें है वीडियो रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, गेम रिकॉर्डर, वेबकैम रिकॉर्डर, फ़ोन रिकॉर्डर, विंडोज़ रिकॉर्डर और लास्ट रिकॉर्डर। इसको आप लोग अपनी मर्जी से भी मैनेज कर सकते हैं। नीचे हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्डिंग हिस्ट्री का, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। टास्क शेड्यूल, इसको भी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिकॉर्ड वाटरमार्क, इसको भी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वीडियो रिकॉर्डर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रिकॉर्डिंग स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग फुल स्क्रीन या फिर कस्टम स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये कस्टम पर है, इसको आप लोग फुल भी कर सकते हैं। तो आप लोग यहां से डिस्प्ले को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, वेबकैम को भी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो फेस कैम वीडियोस हैं वो भी शूट हों तो इसको भी आप लोग यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम साउंड। अगर आप लोग सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑन रहने दें, नहीं तो ऑफ कर दें। माइक्रोफोन को भी आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सेटिंग का बटन मौजूद है, अगर आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो मज़ीद सेटिंग्स आ जाएंगी। जैसा कि रिकॉर्डिंग में आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले बीप हो तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। हाइड फ्लोट बार है, और दूसरे ऑप्शन से आउटपुट में आप लोग डायरेक्टली सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप लोग अपनी आउटपुट फाइल की जो लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं कि जहां पर आपकी वीडियो रिकॉर्ड होकर सेव होगी उस पाथ को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट सेटिंग्स है, आप लोग यहां पर इसके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मैं इसको जेपीजी कर सकता हूं। वीडियो सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को हाई कर सकते हैं, फ्रेम रेट चेंज कर सकते हैं, आउटपुट। तो लेफ्ट साइड पे आपको और ऑप्शंस नजर आएंगे जिसमें है आउटपुट, यहाँ पर आप लोग साउंड की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, कैमरा सेटिंग्स है, माउस है। अगर आप लोग चाहते हैं कि माउस कर्सर की जो बैकग्राउंड है वहाँ पर कुछ हाईलाइट कलर शो हो तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड कीज़ का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर आप लोग शॉर्टकट कीज़ को सेट कर सकते हैं। जब ये सारी सेटिंग्स हो जाएँ, ओके के बटन पर क्लिक करें, और रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करें तो आप लोगों की ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप लोग जो भी वर्क करेंगे आपके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो रिकॉर्ड होता जाएगा। तो यहाँ पर एक फ्लोटिंग बार भी आपको नज़र आएगी, फिलहाल ये अभी मेरी रिकॉर्डिंग के दौरान शो नहीं हो रही। तो यहाँ पर पॉज का बटन मौजूद है, स्टॉप का बटन मौजूद है, मिनिमाइज़ का बटन मौजूद है, यहाँ से आप लोग उसको पॉज या फिर स्टॉप कर सकते हैं। और स्क्रीन कैप्चर का बटन भी मौजूद है, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। रिकॉर्ड लेंथ का ऑप्शन मौजूद है, आप लोग रिकॉर्ड लेंथ को सेट कर सकते हैं। जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए इसको एग्जिट कर दें तो आप लोग देख सकते हैं हमारी रिकॉर्डिंग यहां पर आ चुकी है। आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट या एंड से अगर आप लोग कुछ क्लिप को ट्रिम करना चाहते हैं वो भी ट्रिम कर सकते हैं। और फाइनली एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें, ये आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। आप लोग इसको प्ले भी करके देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है तरीका वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद ही होगी। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।